और शेयर करना है जो भी इंडोनेशियन सीखना चाहते हैं, और आपको कमेंट भी करना है अगर आपको कोई भी डाउट हो। ओके, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वी डोंट हैव सो मच टाइम। तो फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास में वो है साया। ओके, साया। दोस्तों, इस बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास में एक शाउट आउट है। तो शाउट आउट इस पार्ट में है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कुछ लोगों ने, तो वो उन लोगों ने पब्लिक कर रखा है अपने सब्सक्रिप्शन को, तो मैं उनका सब्सक्रिप्शन देख सकती हूँ, तो मैं उनका शाउट आउट दे रही हूँ। सो अर्चना भाट, विकिया समयु, स्वप्निल काश्यप, टू साइड लेजेंड्स, टेक्स्टर गेमिंग, यशवंत सिंह, अंजय पवार। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। अगर आपको भी अपना शाउट आउट चाहिए तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने कर रखा है ऑलरेडी तो आप अपने सब्सक्रिप्शन को पब्लिक कर दो, और पब्लिक अगर नहीं करना है आपको तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं लिस्ट कर लूँगी आपको अगर मैंने देख लिया, समझ में मुझे दिख गया आपका, तो मैं उसे कर दूँगी। उसके बाद में फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी कि मैंने लिस्ट कर दिया है, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा आपका नाम, शाउट आउट हो जाएगा आपका नाम। तो अब जल्दी से इंडोनेशियन पर चलते हैं। लेसन वन के, सो यू कैन सी इंडोनेशियन लेसन वन। अब हम इस लेसन में हम 10 वर्ड्स के बारे में सीखेंगे जो बहुत ही आसान है, उनके मीनिंग समझेंगे और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास में वो है साया। सो साया का मीनिंग होता है आई। आई का मीनिंग क्या होता है, मतलब मेरे बारे में बात होती है। ठीक है, जैसे आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, सो उसमें साया यूज होता है। लाइक का हम नेक्स्ट इंडोनेशियन लेसन में पढ़ेंगे कि लाइक को क्या बोलते हैं, लेकिन इस लेसन में हम 10 वर्ड्स कुछ ऐसे ही मतलब सीखेंगे जो जैसे मतलब आई, यू, दे, योर, ही, शी, इट, दिस, हू, व्हाट, ऐसे हम सीखेंगे। योर वेलकम। और दो मुझे जो एक्स्ट्रा लिए थे मैंने वो है कॉफ़ी और टी। ओके, चल जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो ये जो है हमारे पास में साया, आपने समझ लिया इसका क्या मीनिंग है, साया का मीनिंग होता है आई। फिर जो हमारे पास में सेकंड है वो है मेरेगा। मेरेका मीनिंग होता है दे, मतलब दे का मतलब क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में सामने वाले इंसान के बारे में बताया जा रहा है। तो हमारे पास में तो प्लूरल फॉर्म क्या होता है, आई मीन यू का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो दे होता है, मतलब दूसरे सामने है, दूसरे इंसान आगे है, तो आप उसे मतलब ज़्यादा लोग हैं तो आप उन्हें क्या बोलोगे, दे। तो मेरेका, मेरेका का मीनिंग पता चल गया आपको, साया आए, मेरेका दे। इन द एंड आई विल डू अ लिटिल टेस्ट एंड देन अ लाइव टेस्ट आफ्टर सम टाइम। सो द थर्ड वन इज कामू। कामू का मीनिंग क्या होता है, यू, मतलब कामू का मतलब होता है यू। तो फोर्थ जो हमारे पास में है वो है आंद, आंद। ओके, आंद, आंद का मीनिंग होता है योर,
फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। साया का मतलब होता है आई, मेरे का मतलब होता है डे। सो नेक्स्ट वर्ड इज दिया, मतलब दिया को आप ही मतलब मैस्कुलिन में भी यूज़ कर सकते हो, फेमिनाइन में भी यूज़ कर सकते हो, और जैसे आपको और इट भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपको सामने वाले इंसान का मतलब जैसे कैट है तो हम उसे इट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें उसका जेंडर नहीं। तो दिया का मीनिंग होता है ही शी इट, ही शी इट दिया। ओके, तो अब इनी, इनी, इनी का मतलब होता है दिस, इनी का मतलब होता है दिस। तो हमने एक मैरे का पढ़ा और इनी पढ़ा, इन दिस और दैट एंड दिस और दैट। हमने ये दो का पेयर पढ़ा, कामू आता, योर एंड यू, यू एंड योर। दिया का मतलब होता है ही शी इट और साया का मतलब होता है आई। अब हम सेवेंथ वाले वर्ड पे चलते हैं जो कि है साइपा। साइपा का मीनिंग बहुत ही इजी होता है, ये इंटरोगेटिव है, हु और व्हाट। ओके, हु और व्हाट होता है साइपा का मीनिंग। और हमारे पास में एट्थ वाला है, ये मतलब ऑड वन आउट है, ये वो नहीं है, मतलब ये जो हम अभी पढ़ रहे थे आई दे यू योर ही शी इट दिस हु व्हाट, ये हम ये वो नहीं है, ये है कॉपी, कॉपी। कॉपी का मीनिंग होता है कॉपी। ओके, कॉपी, कॉपी नहीं है ये, कॉपी, कॉपी, कॉपी। और नाइन्थ है हमारे पास में साम साम, साम सामों का मीनिंग होता है यू आर वेलकम। तो यू आर वेलकम का मतलब आप सामने बोलते हो, तो आज आपने ये लेसन पढ़ लिया तो आप थोड़ी देर बाद थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करना कि आपने क्या पढ़ा था इस लेसन में, फिर आप अपने रिलेटिव्स को जाकर बोल सकते हैं, जैसे अगर कोई आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप उसे सामा सामा बोल सकते हो, कुछ क्या हुआ, ये क्या मतलब है, तो आप उस नई नई इंडोनेशियन लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये बता सकते हो। ये बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है, सबसे ईजी लैंग्वेज है। प्लीज़ मुझे कमेंट बताना, योर वेलकम होता है या यू आर वेलकम होता है या क्या होता है, आई एम रियली कन्फ्यूज। तो अब हमारा टेंथ वर्ड कॉपी की तरह है, कॉपी। तो टेंथ वर्ड को मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो है तह, तह, तह का मीनिंग होता है टी। ओके, सो लेट्स रिवाइज। तो साय का मीनिंग क्या होता है, आई। मेरे का तो क्या मतलब होता है, दे। ओके, काम का मतलब होता है योर, यू। आंदा का मतलब होता है योर, ही शी इट का होता है दिया, इनी का होता है दिस, साइपा का मतलब होता है यू वॉट, कॉपी का मतलब होता है कॉफ़ी, सारो सारों का मतलब होता है योर वेलकम। सो ये हमने कर लिया, अब रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद में हम मैं आपको लाइव टेस्ट भी दूंगी, आफ्टर मैं इसको इस वाली वीडियो को डाल दूंगी, उसके बाद मैं लाइव टेस्ट दूंगी। तो आप लाइव टेस्ट को कभी भी आप ले सकते हो, जैसे अगर मैंने अभी ये भी नहीं डाली है वीडियो,
और वो एकदम से चला गया लाइव, तो आप उसे उस टाइम पे नहीं करो तो आप बाद में भी कर सकते हो, मतलब जैसे अबाउट 1 डे 2 डे, लेकिन वो वैलिड थोड़े टाइम तक नहीं रहेगा। तो अगर आपको टेस्ट वापस करना है लाइव के अंदर, तो फिर द रिवीजन, रिवीजन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो जो हमने पढ़ा था वो समझेंगे कि हमने सही से पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा। तो मैं 10 पॉइंट्स तो दूँगी, तो प्लीज़ कमेंट में बताना आपको कितने पॉइंट्स आए। 10 मार्क्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमेंट में आंसर भी देना है। अगर आंसर नहीं देने तो आप इस कमेंट में आप अपने जो आपके मार्क्स खुद आए हैं वो आप लिख के दे दीजिएगा। इन्हीं का मतलब 2 है, तह का मीनिंग, थर्ड काम करना है। मैं पूरा लिख देती हूँ और फिर मैं आपको रिवीजन के लिए दे दूँ। तो हमारे आप फर्स्ट का मीनिंग आप लिख दो, ये हमारे पास पूरा लिख दिया है। तो आप प्लीज़ इन सबके आंसर्स समझिए, सीखिए, लर्न कीजिए। आपको जो भी दिमाग में आ रहा है, नो चीटिंग प्लीज़। आप पूरा पीछे प्लीज़ मत कीजिएगा, जब ये रिवीजन हो जाए तो आप पीछे करके आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हो। फिर आप 10 मार्क्स जो आपके हैं उनको आप बताओ कि आपके कितने मार्क्स आए, 9 मार्क्स आए, 10 मार्क्स आए, 7 मार्क्स आए, 6 मार्क्स आए। तो इन्हीं का मीनिंग, ते का मीनिंग, मेरे का, साया, साइपा, कॉपी, सामा सामा, कामू, साया, दिया, हाँ। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लोजर दिखा देती हूँ। लास्ट वाला साया है, उससे पहले कामू है और उससे पहले सामा सामा है। थोड़े छोटे छोटे लेटर्स में लिख दिया है, तो वो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप देख सकते हो। बहुत पास से दिखाती हूँ। राइट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन और योर मार्क्स। और अगर आपको अपना शाउट आउट लेना है तो आप, या तो फिर आप एक काम करो, आपका जो नाम आया है, अगर आपका नाम आया है तो आप इन द कमेंट्स लिखो #educationmasala, फिर उसके आगे आप लिख दो आई गॉट माई नेम इन द शाउट आउट। और अगर नहीं आया तो #educationmasala, उसके बाद में आप लिखो आई डिडंट गॉट माई शाउट आउट। अगर आपका नेम नहीं आया है तो आप फिर उसके आगे आप अपना प्लीज़ पब्लिक कर दीजिए, या फिर अगर आपका नाम आपने कर रखा है ऑलरेडी पब्लिक तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स हुज़ एवर वांट्स टू लर्न इंडोनेशियन।